हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने कल अकाउंट्स में लॉस ऑफ स्टॉक का केस हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम आपकी एक नई पॉलिसी शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या आप इसे एक नाम और दे सकते हो, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, चलो पहले एग्जाम्पल से जरा पूरा इसका केस समझेंगे हम, तो ध्यान से मेरी बात समझनी है। देखो, पता है मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स के पास एक मशीनरी थी जिससे वो प्रोडक्शन करता था, 5 लाख की मशीनरी थी। हुआ क्या, फायर की वजह से वो मशीनरी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब जल के राख हो गई। चलो, एक काम मिस्टर एक्स ने अच्छा क्या कर रखा था, उसने मशीनरी का क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, मशीनरी का उसने क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस। तो ठीक है, जिस दिन आग लगी वो अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया क्लेम मांगने, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पूरे 5 लाख रुपए का क्लेम दे दिया। अब ध्यान से सुनना, ये फायर लगी थी 1 जुलाई 2019, और जो फाइनेंशियल ईयर हम डिस्कस करने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये वाला फाइनेंशियल ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा बता दो, मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन था, मशीनरी थी एक 5 लाख की उसके पास, 1 जुलाई 2019 को आग लगी, आग की वजह से पूरी की पूरी मशीनरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। काम उसने अच्छा क्या कर रखा था, उसने ले रखी थी एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मुझे एक बात बताओ, पहला काम उसने क्या करा, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पूरे 5 लाख रुपए का क्लेम दे दिया। चलो बात खत्म। अब जरा ना अगला एग्जांपल, अब इसी का कंटिन्यूशन कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना, पता है। ठीक है, चलो एक बात तो आपको समझ आ गई कि मशीनरी में आग लगी थी, वो क्लेम मांगने गया और पूरा क्लेम उसको 5 लाख रुपए का मिल गया। चलो, लेकिन मैं बताऊं, आप कोई बता सकता है अगला काम मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स का अगला काम क्या होगा, वो कोशिश करेगा मशीनरी परचेज करने की। भाई, उसकी मशीनरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई तो वो प्रोडक्शन कहां से करेगा, प्रोडक्शन तो तभी कर पाएगा ना जब मशीनरी होगी। तो अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा, वो मशीनरी परचेज करेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस मशीनरी से वो प्रोडक्शन करता है ना, वो एक इम्पोर्टेड मशीनरी है, एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, और वो मशीनरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे एक बार बताओ, जो मशीनरी वो यूज करता है, जिस मशीनरी से वो प्रोडक्शन करता है, वो एक क्या है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, इंपोर्टेड मशीनरी है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो मशीनरी इंपोर्ट करवाई थी उसने यूएस से, तो पता है उसने क्या करा, ये मिस्टर वाई है, ये सप्लायर है मशीनरी का, रहने वाला है यूएस का। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कॉल करा, ठीक है, और कहा अर्जेंट बेसिस पे मुझे आपसे एक नई मशीनरी क्या करनी है, परचेज, अर्जेंट बेसिस पे। तो मिस्टर वाई ने क्या कहा, मिस्टर वाई ने कहा, सर ऐसा है, हम जितनी मर्जी जल्दी कर लें,
कम से कम 3 महीने का समय लगेगा ये मशीनरी आप तक पहुंचाने में। मतलब 1 जुलाई से अगर मैं 3 महीने काउंट करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब वाई कह रहा है कि हम इस मशीनरी की डिलीवरी आपको 1 अक्टूबर 2019 से पहले नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब सोचो, अब आप ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। क्या सोचो इसके कॉन्सिक्वेंसेस? मुझे एक बात बताओ, मेरी मशीनरी में आग कब लगी? 1 जुलाई 2019 को। और नई मशीनरी कब आएगी? 1 अक्टूबर 2019 को। यानी पता है होगा क्या? 3 महीने के लिए मेरे पास कोई मशीनरी नहीं होगी। मशीनरी नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई रेवेन्यूज जनरेट नहीं होंगे। रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तो मुझे बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? नुकसान। यानी सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो 3 महीने के लिए मेरा पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो गया? डिसलोकेट। इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। 3 महीना का जो पीरियड है जिसमें मेरा पूरे का पूरा बिजनेस क्या हो गया? डिसलोकेट। उस बताओ पीरियड को हम क्या नाम दे रहे हैं? पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, चलो अब ना मैं बात जरा आगे समझना। देखो आगे की बात करते हैं। अब पता है मुझे एक बात बताओ दोबारा से, आग कब लगी? 1 जुलाई को। नई मशीनरी कब आएगी? 1 अक्टूबर को। मतलब 3 महीने के लिए आई एम विदाउट एनी मशीनरी। नो मशीनरी मींस नो प्रोडक्शन। नो प्रोडक्शन मींस नो रेवेन्यूज। नो रेवेन्यूज मींस नो प्रॉफिट। इसका मतलब आपका बिजनेस कितने मंथ्स के लिए डिसलोकेट हो गया? 3 मंथ्स के लिए आपका बिजनेस क्या हो गया? डिसलोकेट। तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। सुनो, अब मुझे बताओ, सोचो इन 3 महीनों में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई रेवेन्यूज नहीं होंगे, कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो अगर इन 3 मंथ्स में जो भी आपको लॉस होगा, उस लॉस को अगर आप कवर करना चाहते हो तो आपको लेनी चाहिए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो इन 3 मंथ्स में जो भी लॉस होगा वो आप अगर रिकवर करना चाहते हो ना, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेनी चाहिए। अब ध्यान से सुननी अभी मेरी बात। अब मैं थोड़ा सा ना आपको इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की करेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। ये पॉलिसी ना 3 चीजों को कवर करती है। ठीक है, कौन सी 3? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब इन 3 महीनों में जितने नेट प्रॉफिट का आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप इस पॉलिसी के थ्रू करवा सकते हो। अच्छा, और ये क्या कवर करती है? स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इन 3 महीनों में आप जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करोगे, जैसे रेंट दे रहे हो आप, स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट आप इंकर कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो आप, ये सब आपकी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन 3 महीनों में जितनी भी आप फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करोगे उन सब का रीइंबर्समेंट आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेगा। और एक और चीज है, वो है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये क्या होती है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल मुझे बताओ ये पॉलिसी
क्या क्या चीज कवर करेगी। 3 महीनों में जितना नेट प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो ये पॉलिसी कवर करेगी। इन 3 महीनों में जितना फिक्स्ड कॉस्ट आपको जेब से देना पड़ा वो ये पॉलिसी कवर करेगी, प्लस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये पॉलिसी क्या करेगी, कवर। खैर अब मैं ना अगली बात पे आ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी ना यहां पर 2-3 लाइनें इसके नीचे छोड़ देना, 2-3 लाइनें छोड़ देना। एक काम करो, एक छोटा सा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाओ, छोटा सा एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड पे क्या आता है, सेल्स, है ना, सेल्स। अब बताओ टू साइड पे क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बाय साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। मुझे एक बार बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी आता है, है ना। अच्छा फिर ये जीपी क्या होता है, ब्रॉट डाउन, लो हो गया जीपी ब्रॉट डाउन। अब बताओ टू साइड पे कौन से खर्चे आते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना, वगैरह वगैरह, और बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट। कुछ इस टाइप का ट्रेडिंग पीएल बनता है आपका, सिंपल सा फॉर्मेट बनाया। मैं आपसे डिस्कस क्या करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मुझे एक बार दोबारा बताओ ये पॉलिसी क्या क्या चीज कवर करती है। ये पॉलिसी नेट प्रॉफिट कवर करती है, और ये पॉलिसी स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करती है। और याद रखना 3 कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड होता है। तो मुझे एक बार बताओ ये पॉलिसी आप समझो क्या क्या कवर कर रही है, नेट प्रॉफिट को कवर कर रही है और स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रही है। तो मुझे एक बार बताओ ये पॉलिसी क्या क्या कवर कर रही है, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड कॉस्ट। तो मुझे बताओ कि मैं सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकता हूं, नेट प्रॉफिट को कवर कर रही है प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रही है। तो सिंपल वर्ड्स में कह देता हूं ये पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट को कवर कर रही है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। तो आप इस पे आओ, इस पे आओ, तो आप ना नाउ ऑनवर्ड्स आप ये नहीं बोलोगे कि ये पॉलिसी नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस को कवर कर रही है, आप ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे ये पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट को कवर करती है। क्योंकि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट भी आ गया और स्टैंडिंग चार्जेस भी आ गए। तो अब आप मुझे बताओ ये पॉलिसी क्या क्या कवर करती है, जीपी कवर करती है और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कवर करती है। जीपी में एनपी भी आ गया और फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। यहां तक का हमारा केस हुआ, अभी मैं खैर आपसे आपसे आगे कंटिन्यू करता हूं। सुनो चलो अपने एग्जाम्पल को आगे हम बढ़ाते हैं, चलो देखना यहां पर लिखो टर्नओवर फ्रॉम 1st July 2018 टू 30th September 2018 5 लाख। फिर लिखो टर्नओवर फ्रॉम 1st July 2019 टू 30th September 2019 1 लाख। जीपी रेशो 20%। चलो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अब ना मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा ये पॉलिसी 2 चीजों को कवर करती है, जीपी को और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को। अच्छा एक बार बताओ क्या ये पॉलिसी पूरे साल के जीपी को कवर करेगी, क्या नहीं,
ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं 3 मंथ्स के जीपी को कवर करेगी जिन 3 मंथ्स के लिए आपका बिजनेस क्या हुआ था डिसलोकेट, और कौन से 3 मंथ्स थे, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2019। तो याद रखना ये पॉलिसी पूरे साल के जीपी को कवर नहीं करेगी, ये पॉलिसी सिर्फ उन 3 मंथ्स के जीपी को कवर करेगी जिन 3 मंथ्स में आपके बिजनेस को नुकसान हुआ था। अब सुनना, अब एक बात है, इन 3 मंथ्स में कितना नुकसान हुआ उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बेस पिछले साल के इन्हीं 3 मंथ्स को बनाती है। मुझे एक बार बताओ, पहले बताओ इस साल के कौन से 3 मंथ्स में आपको नुकसान हुआ, जुलाई 19, अगस्त 19 और सितंबर 19। तो इंश्योरेंस कंपनी बेस पिछले साल के इन्हीं 3 मंथ्स को बनाएगी, मतलब जुलाई 18, अगस्त 18 और सितंबर 18। देखो जुलाई 18, अगस्त 18, सितंबर 18 तक का टर्नओवर, मतलब पिछले साल के इन 3 मंथ्स का टर्नओवर कितना दे रखा है, 5 लाख। सुनो अब पता है इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर इस साल, ध्यान से सुनना, अगर इस साल आपके बिजनेस में, अगर आपकी मशीनरी में फायर इस साल ना लगी होती, अजम्पशन सुनो, इंश्योरेंस कंपनी का अजम्पशन क्या है, अगर आपकी मशीनरी में फायर इस साल ना लगी होती तो इस साल के 3 मंथ्स में आप टर्नओवर उतना ही कमा सकते थे जितना पिछले साल के इन्हीं 3 मंथ्स में कमाया, मतलब अगर आपकी मशीनरी में आग ना लगती तो इस साल जुलाई अगस्त सितंबर में उतना ही टर्नओवर कमा सकते थे जितना पिछले साल के जुलाई अगस्त और सितंबर में कमाया था, यानी कितना, 5 लाख। इसे हम इस चैप्टर में नाम देते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। पिछले साल के एनी 3 मंथ्स के टर्नओवर को क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो यहां पर लिखोगे आप स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो मुझे बताओ अगर आग ना लगती, अगर आग ना लगती तो आप कितना टर्नओवर इस साल कमा लेते, 5 लाख। 5 लाख के टर्नओवर पे 20%, 1 लाख का जीपी आप कमा सकते थे। मैंने क्या कहा, कमा सकते थे अगर आग ना लगी होती तो, लेकिन आग लगने की वजह से एक्चुअल में आप टर्नओवर, दिस इज योर एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर कितना कमाया, सिर्फ 1 लाख का, 1 लाख के टर्नओवर पे 20%, आपने 20,000 रुपए का जीपी कमाया, जितना कमाया। अब मुझे बताओ आग ना लगती तो कमा सकता था 1 लाख, लेकिन आग की वजह से कमा पाया सिर्फ 20,000, तो कितने का नुकसान हो गया, 80,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान है। इसे हम कहते हैं लॉस ऑफ जीपी। क्या कहेंगे इसे, लॉस ऑफ जीपी। इतने जीपी का हमें क्या हुआ, नुकसान। और अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इस 80,000 रुपए का क्या देगी, रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। खैर एक फॉर्मूला बना के बताऊं आपको प्रॉपर लॉस ऑफ जीपी का, ये 80,000 कैसे निकाला, मैं आपको एक फॉर्मूला सीधा लिखवाता हूं इसका। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। तो सॉल्व करके देख लो, चाहे स्टैंडर्ड टर्नओवर 5 लाख, एक्चुअल टर्नओवर 1 लाख इनटू जीपी रेशियो 20%, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। बस ये आपका तरीका हो गया लॉस ऑफ जीपी निकालने का। ठीक है, चलो मैं इसमें एक काम करता हूं, आज सिर्फ यहीं तक करा रहा हूं, मैं आपको पहला स्टेप बताया अभी। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक का केस सबको क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से।
एक बार आज जितना हमने केस किया उसे गो थ्रू मारो, आगे के जो स्टेप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।